भारत चीन के बीच एलएसी पर तनाव कम। भारत चीन के बीच 2167 मील लंबी सीमा है और इसके बीच 80 सालों से विवाद चल रहा है। यहां तक कि पेंगोंग तसो झील और गलवाना घाटी में युद्ध की स्थिति तक पैदा हुई और कई लोगों की मौत हो गई। जहां भारत की सेना देश की रक्षा के लिए सीमा पर डटी रही, वहीं चीन की सेना भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। लेकिन 20 अक्टूबर 2024 को फिर ऐसा क्या हुआ जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का इतना पुराना विवाद थम गया? क्यों दोनों देशों की सीमाएं पीछे हट गई? क्या है इन दोनों देशों का हित, जानेंगे आज के इस वीडियो में। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 20 अक्टूबर 2024 को कहा कि साल 2020 में भारत के सैनिक चीन से लगी सरहद पर जहां तक पेट्रोलिंग करते थे वहां फिर से कर पाएंगे। उन्होंने बताया कि तनाव कम करने के लिए भारत और चीन के बीच वार्ता पूरी हो चुकी है। आपसी सहमति पर दोनों पक्षों ने यह फैसला लिया है। बता दें कि पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच पिछली बार अगस्त 2023 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुई ब्रिक्स की बैठक के दौरान बातचीत हुई थी। उस दौरान कहा गया था कि दोनों देश आपसी संबंधों को बेहतर करना चाहते हैं। ये बातचीत अब सफल होती हुई नजर आ रही है। भारत ने बातचीत और कूटनीति के जरिए आखिरकार चीनी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर ही दिया। भारत और चीन के बीच ये समझौता देपसांग और डेमचोक इलाकों में पेट्रोलिंग यानी की गश्त से जुड़ा हुआ है। एलएसी पर सेना की गश्त यानी की पेट्रोलिंग को लेकर सहमति के बाद देपसांग और डेमचोक में जारी गतिरोध अब खत्म होगा। एलएसी पर शांति के प्रयासों की दिशा में यह एक पहला कदम बताया जा रहा है। अभी और भी ऐसे पॉइंट हैं जहां से चीनी सेना को पीछे हटना है। भारत और चीन के बीच नए समझौते के तहत अब देपसांग इलाके में चीनी सैनिक भारतीय जवानों को नहीं रोकेंगे। ठीक यही काम भारत भी करेगा, यानी इस इलाके में दोनों देशों के सैनिक पेट्रोलिंग करेंगे। हालांकि दोनों देशों की ओर से अस्थायी चौकियों को हटाया जाएगा। साथ ही यह भी सामने आया है कि साउथ में डेमचोक के पास चारडिंग निंगलुंग नाला ट्रैक जंक्शन पर भी भारत और चीन के बीच इस तरह की कार्यवाही होगी। इस फैसले के दौरान टकराव की स्थिति को रोकने के लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं। टकराव से बचने के लिए दोनों ओर से 15-15 जवान ही गश्त करेंगे। भारत और चीनी सेनाओं ने गलवान पेंगोंग तसो के उत्तरी किनारे कैलाश रेंज और गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र से डिस इंगेजमेंट के बाद पहले ही 3 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक के 9 पेट्रोल बफर जोन बनाए थे। इनमें से अधिकतर बफर जोन एलएसी पर भारत की तरफ बनाए गए थे। आखिरी बार सैनिकों का पीछे हटना सितंबर 2022 में हुआ था। ये बफर जोन अस्थायी व्यवस्था माने जा रहे थे, लेकिन देपसांग और डेमचोक में तनाव की वजह से भारतीय सैनिक पूर्वी लद्दाख में अपनी 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंच पा रहे थे। ये पेट्रोलिंग पॉइंट उत्तर से कराकोरम दर्रे से शुरू होकर दक्षिण में चुमार तक जाते हैं, मगर नए समझौते से भारतीय सेना के जवान पेट्रोलिंग कर पाएंगे। पूर्वी लद्दाख में 2020 में हुई हिंसक सीमा झड़पों के बाद से ही भारत और चीन के रिश्ते तल्ख हो चुके हैं। आइए बात करते हैं कि इन दोनों देशों ने यह फैसला क्यों लिया। दरअसल इस फैसले में दोनों ही देशों का हित शामिल है। इससे भारत की भौगोलिक स्थिति मजबूत होगी और सीमाओं पर शांति स्थापित रहेगी। वहीं अगर चीन की बात की जाए तो उसका ताइवान के साथ मतभेद चल रहा है, जिस वजह से वह भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना चाहता है। वहीं रूस भी यही चाहता है कि भारत और चीन के बीच अच्छे संबंध हो, क्योंकि ये दोनों ही देश ब्रिक्स समूह के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपसे होगी मुलाकात एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ।